मुख्तार अंसारी की मौत के बाद असदुद्दीन ओवैसी उनके घर पहुंचे, मगर अफजाल अंसारी उनसे क्यों नहीं मिले, आपको ये बताएंगे। इसके अलावा गाजीपुर में अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी हैं, पर बीजेपी से क्या उनके सामने एक माफिया के रिश्तेदार उतर सकते हैं, इसकी कहानी आपको बताएंगे। और अगर गाजीपुर में बीजेपी की तरफ से कोई ठाकुर प्रत्याशी होता है तो बलिया में क्या समीकरण बदल जाएंगे, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही अखिलेश यादव की मेरठ में गरारी क्यों फंस गई है, कई मीटिंगों में दौर चल चुका है मगर फाइनल नहीं हो पा रहा कि आखिर कौन मेरठ में कौन लड़ेगा, जबकि नामांकन की आखिरी तारीख के मात्र 3-4 दिन और बचे हैं। सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ होंगे हमारे वरिष्ठ साथी पंकज झा जी। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत कर लेते हैं अफजाल अंसारी के मुद्दे से। मुख्तार अंसारी के घर पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी और अब उनसे उनके बेटे, मुख्तार के बेटे उमर अंसारी मिलते हैं, उसकी फोटो भी आती हैं, वीडियो भी वायरल होता है, मगर अफजाल अंसारी कहीं सीन नजर नहीं आते, जबकि आपने उस दिन बताया था कि उस परिवार का पूरा ब्रेन है वो अफजाल अंसारी हैं, और जो भी और लोग मिल रहे थे, पहुंच रहे थे, उनसे अफजाल अंसारी मिल रहे थे, पत्रकारों को इंटरव्यू दे रहे थे, पर ओवैसी से नहीं मिले, क्या कारण है इसका? देखिए, मैं अगर अभी हम लोग अगर टीवी में कोई पैकेज लिखना होता ना तो 3 विंडो से मैं स्टोरी खोलता। एक विंडो में ना होता होटल में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था जिसमें असदुद्दीन ओवैसी, पल्लवी पटेल, कृष्णा पटेल, एक विंडो में डालता। दूसरे विंडो में डालता लखनऊ में रोजा इफ्तारी में जो थे असदुद्दीन ओवैसी, 7:45 बजे तक उसी में थे, उनके जो प्रदेश अध्यक्ष है शौकत अली उनके घर पर रोजा इफ्तार था, तो दूसरे विंडो में ऐसे डालता। और तीसरे विंडो में मैं वो डालता जब वो गाजीपुर पहुंच गए, मोहम्मदाबाद फाटक में घुस गए और वहां पर वो खाना खा रहे हैं, साथ में उनके उमर अंसारी हैं, लेकिन ना तो उनके साथ मन्नू अंसारी दिख रहे हैं ना ही उस परिवार के मुखिया यानी अफजाल अंसारी दिख रहे हैं। मैं एक बात बताऊं कि इन तीनों विंडो से अगर मैं दिखा रहा होता या आपने, मैंने जो कहा उसको मन में सिद्ध कर लीजिए तो कहानी बिल्कुल साफ हो जाती। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर 2 दिन बाद भी हो जाती तो क्या बिगड़ जाता, कुछ भी नहीं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, ना तो सीटों की घोषणा हुई कि हमारा आपका गठबंधन हो गया है तो हम करेंगे क्या, बस साथ चलने का एक वादा कर दिया गया। बड़े साथ चलेंगे, आप कहाँ चलेंगे, कैसे चलेंगे, साथ में कौन कौन रहेंगे, चेहरे क्या होंगे, कुछ भी तो नहीं था। ये तो सोशल मीडिया में पोस्ट करके भी जो पल्लवी पटेल और असदुद्दीन ओवैसी की 4 दिन पहले की हैदराबाद की जो फोटो हम सबको दी गई उससे भी तो इस गठबंधन का ऐलान हो सकता था। उसके लिए ओवैसी साहब हैदराबाद से लखनऊ आते हैं, होटल क्राक सावद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, सब लोग बैठते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। अब पूछेंगे ऐसा क्यों, तो राजनीति में टाइमिंग का बड़ा महत्व होता है। तो टाइमिंग जब ऑलरेडी सुपुर्दे खाक हो चुका था, सुपुर्दे खाक के दिन उन्हें नहीं जाने दिया जाता असदुद्दीन ओवैसी को, तो इसीलिए उसके अगले दिन उन्हें हर हाल में पहुंचना था। और जो असदुद्दीन ओवैसी, भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस तो खत्म हो गई 4 बजे तक में, उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी का यहाँ क्या काम, ये रोजा इफ्तारी या तो दिल्ली में भी कर सकते थे पर हैदराबाद में भी। हमने उनसे सवाल पूछा था कि वजीर साहब एक बार बताइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गया है तो क्या प्रोग्राम है, तो उन्होंने कहा मैं रात में यहीं रुक रहा हूँ। तो हमने सोचा भाई ठीक है, रात में रुकेंगे तो मिलेंगे, कुछ विस्तार से बात होगी। पर फिर हमने फोन किया तो बोला मैं एक जगह रोजा इफ्तारी में आ गया हूँ। उसके बाद जो फोन किया तो फोन ही नहीं उठा। उसके बाद देर रात में मेरे पास खबर आई कि वो भाई साहब जो है मोहम्मदाबाद पहुंच चुके हैं, और करीब 1:15 पर खुद उन्होंने मुझे वीडियो भेजा कि उनकी जो मुलाकात हुई है, वो खाना खा रहे हैं, उमर अंसारी से बात कर रहे हैं, उसका खुद वीडियो उन्होंने मुझे भेजा भी। और अगर आकर देखिएगा तो असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया साइट पर वो पूरा वीडियो भी डाला है। कहानी ये है, आपको कुल बताऊं कि उन्होंने अफजाल अंसारी को भी फोन किया था अपनी शोक संवेदना जताने के लिए, अफजाल अंसारी ने उनका फोन नहीं उठाया। जब उन्होंने फोन नहीं उठाया तो उन्होंने फिर अपने साथियों से जो उनके यूपी के लोग हैं जानने वालों से उमर अंसारी का नंबर लिया, तब तक उनके पास उमर अंसारी का नंबर नहीं था। फिर उन्होंने उमर अंसारी को फोन किया और अपनी बात बताई, शोक संवेदना जताई और ये भी कहा कि संभव हुआ तो मैं आ भी सकता हूँ, नहीं भी आ सकता हूँ, यानी उनको भी उमर अंसारी को भी भनक नहीं लगने दी। अब इसी परिवार में एक मन्नू अंसारी भी है और मन्नू अंसारी समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। अब ये जब यहाँ से उस दिन शाम में 7:30-7:45 बजे करीब लखनऊ से निकले हैं, 4.5 घंटे लगते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस पकड़ के गाजीपुर जाने, वहां पहुंचे तो अफजाल अंसारी ऑलरेडी वहां से निकल चुके थे। और मुझे जो बताया गया कि अफजाल अंसारी उस दिन प्रयागराज किसी लीगल काम में चले गए थे। तो कल तो इतवार था मेरे भाई, आज है सोमवार,
कल भी मतलब आज जब हम लोग बात कर रहे हैं तब भी अफजाल अंसारी निकल सकते थे जी, लेकिन अफजाल अंसारी को वहां नहीं होना था, वो नहीं रहे। अफजाल अंसारी नहीं चाहते थे कि असदुद्दीन ओवैसी से उनकी मुलाकात हो। अब आप पूछेंगे वो क्यों नहीं चाहते थे? असदुद्दीन ओवैसी के अखिलेश यादव से जो रिश्ते हैं 33 के, वो तो जग जाहिर है ना भाई। अब उस हालात में अगर वो मिलेंगे तो बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। अब उसे कहने के लिए कह सकते हैं कि मुख्तार अंसारी का निधन हो गया है और उसमें अपने शोक संवेदनाएं जताने के लिए कोई भी कहीं भी जा सकता है, ये तो सामान्य शिष्टाचार की बात है। लेकिन राजनीति में सामान्य शिष्टाचार अब कहाँ रह गई है सौरभ जी? आप भी देख रहे हैं कोई दो नेताओं के बीच में कोई आपसी ऐसी बात होती नहीं है। और तो और छोड़िए, जो मन्नू अंसारी हैं जो विधायक है समाजवादी पार्टी के, वो भी साथ नहीं दिखे, सिर्फ उमर अंसारी दिखे। उमर अंसारी ने उनकी बैठाया, उनसे बात की, तमाम चीजें कही, कैसे क्या हुआ, क्योंकि वो पोस्टमार्टम में भी थे, गए भी थे, आखिरी उनकी क्या बातचीत हुई, वो जो ऑडियो वायरल हुआ है। लेकिन एक मैसेज देना था असदुद्दीन ओवैसी को, वो मैसेज ये दिखाना और बताना और समझाना चाहते थे कि समाजवादी पार्टी में मुसलमानों की कोई हैसियत नहीं, उनकी वहां हैसियत सिर्फ दरी बिछाने की है। और इसीलिए उससे पहले उन्होंने एसटी हसन जो मुरादाबाद के सांसद हैं, उनको कई दिन हफ्तों पहले कही गई बात को सार्वजनिक करके उन्होंने ऑलरेडी एक तरीके से नैरेटिव बना दिया था कि समाजवादी पार्टी में देख लो भाई मुसलमानों की क्या हालत है। यहाँ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि अखिलेश यादव ने जो सोशल मीडिया पर शोक संवेदना जताई मुख्तार अंसारी के निधन को लेकर, उसमें कहीं मुख्तार अंसारी का नाम नहीं था। तो वो एक स्कोर सेटल करना चाहते थे, वो अखिलेश यादव के पर है, इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान हुआ और अचानक बिना बताए वो गाजीपुर भी गए और शोक संवेदना जता ली और फिर आज वो निकलकर चले भी गए। बिल्कुल, तो साफ तौर पर अफजाल अंसारी बिल्कुल नहीं चाहते थे कि वो समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी हैं, और ओवैसी और अखिलेश यादव का आपसी जो झगड़ा है वो जग जाहिर है। तो ऐसे कोई संदेश जाए कि दोनों मिले हैं तो आगे भी कुछ बात खुल सकती है। गाजीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं अफजाल अंसारी, वहीं से वो फिलहाल सांसद भी हैं, पिछली बार मनोज सिन्हा को चुनाव हराया था। अब चर्चा ये है कि गाजीपुर में बीजेपी का प्रत्याशी कौन हो सकता है। अब माफिया मुख्तार अंसारी के परिवार से अफजाल अंसारी लड़ रहे हैं, तो क्या उनके सामने भी किसी माफिया के रिश्तेदार को उतारा जा सकता है, ऐसी भी चर्चा है। पंकज जी, क्या सच, क्या कहानी क्या है? देखिए, ओम प्रकाश राजभर को तो हम सब जानते हैं जी, बातों ही बातों में कुछ हफ्तों पहले उन्होंने कह दिया था किसी में, मतलब कुछ भी कह सकते हैं उनके बयान के, तो आप जानते ही हैं। उन्होंने तो मुख्तार अंसारी को एनडीए में रहते हुए गरीबों का मसीहा कह दिया, अभी मैं बीजेपी के दो तीन नेताओं के यहाँ से आ रहा हूँ, सब बहुत खौराए हुए हैं कि ओम प्रकाश राजभर बोल क्या रहे हैं, तो हमारा ही हाल खराब कर रहे हैं। उन्होंने कह दिया था कि ब्रजेश सिंह और अफजाल अंसारी के बीच चुनावी मुकाबला हो सकता है, अगर हमको गाजीपुर सीट मिल गई तो हम अपनी पार्टी से उनको लड़ा सकते हैं, मतलब उन्होंने ऑलरेडी एक माहौल बनाने की कोशिश कर दी थी। वैसे उनके अंसारी परिवार से अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, अब वक्त बदल गया है, राजनीति बदल गई। खैर, हम आते हैं मेन मुद्दे पर। देखिए क्या है कि 1984 से वहां चुनाव लड़ते रहे हैं गाजीपुर में कौन, तो मनोज सिन्हा जी। 10 बार वो चुनाव लड़े और 10 बार अफजाल अंसारी चुनाव लड़े। 10 बार में 3 बार सांसद बने हैं कौन, तो मनोज सिन्हा जी। उसमें भी विपक्ष के वोटों का बंटवारा होने के कारण, और जिस बिरादरी से आते हैं भूमिहार बिरादरी से, तो गाजीपुर में अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा संख्या अगर किसी बिरादरी की है तो वो है यादव, 4.5 लाख के करीब यादव बताए जाते हैं। इसके आसपास ही उतने मुस्लिम वोटर हैं, इससे कम और इससे थोड़े से कम दलित वोटर हैं, उसके बाद कुशवाहा बिरादरी के हैं, उसके बाद ठाकुर बिरादरी के। ये बात सच है कि उस लोकसभा क्षेत्र में भूमिहार बिरादरी के लोग उतने नहीं है। अब जो नई परिसीमन के बाद हालात बने हैं उसमें भूमिहार वोटरों की संख्या बलिया में जरूर बढ़ गई है। वो जो मोहम्मदाबाद का क्षेत्र जहाँ फाटक पड़ता है ना, वो भी बलिया लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, वो गाजीपुर का नहीं है जी। अब बीजेपी ने इतनी सारी सीटों की घोषणा कर दी, बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा है कि अफजाल अंसारी के बाद किसे चुनाव लड़ा है। कई सारे नाम आए, मनोज सिन्हा के बेटे अनुभव सिन्हा की बात आई, बीच में अभी मुख्तार अंसारी के निधन के बाद दिल्ली में चर्चा शुरू हो गई कि अलका राय को लड़ा दिया जाए तो बिल्कुल पोलराइज हो जाएगा मामला, और ये होगा कि भाई आपने कृष्णानंद राय की हत्या की तो जो जैसा करता है वैसी करनी उसको नसीब होती है, तो इस लाइन एंड लेंथ पर अलका राय को लड़ा जाए। लेकिन वहां चाहिए एक दमदार नेता, सामने अफजाल अंसारी, उनके पीछे मुख्तार अंसारी अब नहीं भी रहे लेकिन उनका नाम और उनका उनकी जो भी है उसको आप माफिया कह लीजिए या उनके इलाके में उनकी ख्याति कह लीजिए। तो अभी ही मैं मिलके आ रहा हूं 2-3 बीजेपी के नेताओं से, सीनियर लीडर से, तो वहां भी इस बात की चर्चा हो रही थी कि भाई मुख्तार के साथ आज भी ठाकुर बिरादरी के लोग हैं। आप देखिए ना, अभी मऊ का लोग
मऊ विधानसभा का उपचुनाव हुए तो समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह ही तो जीते भाई, ठाकुर बिरादरी की। तो एक ऐसा उम्मीदवार चाहिए जो उसके वोट बैंक में सेंध लगाए और उसके टक्कर का हो। तो सुशील सिंह जो कभी बीएसपी के विधायक हुआ करते थे, फिर बीजेपी में आ गए, उनके भतीजे लगते हैं बृजेश सिंह के और त्रिभुवन सिंह के। अफजाल अंसारी का जब हमने अभी इंटरव्यू किया तो अफजाल ने मुख्तार की मौत की जिम्मेदारी जिन तीन चार लोगों पर डाली उसमें बृजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह का भी नाम है। इन बृजेश सिंह गैंग और मुख्तार सिंह गैंग के झगड़ों पर तो पता नहीं कितनी कहानियां बनी है, कितने किस्से और कई फिल्में बन सकती हैं। तो हुआ कि सुशील सिंह जैसे, हाँ सुशील सिंह एक बेहतर उम्मीदवार हो सकते हैं हर लिहाज से, जाति बिरादरी के गुणागणित के हिसाब से, बाहुबल के हिसाब से, छवि के हिसाब से और एक नैरेटिव गढ़ने के हिसाब से। तो अभी अगर नंबर वन पर देखें, चर्चा में कोई है मैं नहीं जानता, वहां केंद्रीय नेतृत्व के सामने कौन चर्चा में है इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन यहाँ लखनऊ से लेकर गाजीपुर तक सबसे ज्यादा अगर किसी के नाम की चर्चा है तो सुशील सिंह की है। नाम उनका सुशील जरूर है लेकिन उनकी भी ख्याति है और उनको भी बाहुबली नेता ही माना जाता है। वैसे दिखने सुनने में बहुत सामान्य कद काठी के हैं, मुख्तार अंसारी की तरह नहीं है जी। मतलब चर्चा की माने तो दो माफिया परिवार आमने सामने, दो बाहुबली परिवार आमने सामने हो सकते हैं, अफजाल अंसारी वर्सेस सुशील सिंह हो सकता है। जो पहले के दौर में हम देखते आए थे कि मुख्तार अंसारी वर्सेस बृजेश सिंह गैंगौर चलते थे, वो अब राजनीतिक वॉर में तब्दील हो सकता है अगर जो चर्चा चल रही है सही निकलती है तो, क्योंकि अंतिम फैसला तो जाहिर सी बात है दिल्ली में बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व लेगा। मगर अगर गाजीपुर में ये समीकरण बनते हैं तो बगल की जो सीट है बलिया जिसका आपने जिक्र किया जिसमें महमूदाबाद भी आती है, वहां भी समीकरण बदलेंगे क्योंकि क्लस्टर, बीजेपी तो पूरा क्लस्टर देख के देती है कि अगल बगल की सीटें कितना क्या प्रभावित होंगे, अगर यहां हम राजपूत उतारेंगे तो वहां कौन उतरेगा। उस लिहाज से बलिया में क्या नया समीकरण बन जाएंगे अगर ये चर्चा वाकई सही निकलती है तो? देखिए उस क्लस्टर में अगर एक जाएंगे तो गाजीपुर हो गया, मऊ ओम प्रकाश राजभर घोषी, ओम प्रकाश राजभर को मिल गया, उनके बेटे अरविंद चुनाव लड़ रहे हैं। अब बगल में चलते हैं बलिया। बलिया में चर्चा ही नहीं शुरू होती अगर वहां के वर्तमान सांसद जो है वीरेंद्र सिंह मस्त की ये जानकारी नहीं आती कि उनका जो उनकी दावेदारी है, उम्मीदवारी है, वो खतरे में है, वो संकट में। कुछ लोग ये मान के चल रहे हैं कि उनकी कहानी खत्म हो चुकी है। अब अभी तक औपचारिक ऐलान जब तक ना हो जाए तब तक तो उम्मीद बनी ही रहती है जी। अब उसके बाद दूसरा नाम जो सबसे ज्यादा चर्चित था और कहा भी जा रहा था वो है नीरज शेखर। बड़ा भारी भरकम नाम है, खासतौर से बलिया, पूर्व प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री के बेटे, हाँ नीरज शेखर, और प्रधानमंत्री खुद भी उनको मानते हैं, राज्यसभा के सांसद। अभी तो दो ही साल उनका टर्म का गुजरा है, चार साल उनके है, लेकिन देखिए लोकसभा का सांसद होना एक अलग फील कराता है, माहौल बनाता है। तो नीरज शेखर के नाम की चर्चा थी। अब ये चर्चा सुन रहा हूं कि अगर वहां से सुशील सिंह लड़ेगा गाजीपुर से तो एक ठाकुर हो गया, तब दो ठाकुर नहीं। और ये भी माना जा रहा है कि कम से कम एक सामाजिक समीकरण बिठाने के लिए कि कोई तो एक भूमिहार उम्मीदवार होना चाहिए बीजेपी का भाई जी। तो वो भूमिहार उम्मीदवार का कोटा तो पूरा ही नहीं हुआ और कहां से भूमिहार लड़ेगा भाई। यूपी में तो वैसे भी वो दो तीन लोकसभा सीटों में ही उनका प्रेजेंस है, थोड़े बहुत है, बलिया में ठीक ठाक है। तो बलिया से उपेंद्र तिवारी के नाम की चर्चा हो रही है जो पहले मंत्री भी रहे योगी सरकार में और अभी कुछ देर पहले, हाँ और अभी कुछ देर पहले मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी मुलाकात देखा देखी, मुलाकात तो नहीं कहेंगे, मुलाकात होती तो बात भी होती है, वैसी कोई बात नहीं हुई, सिर्फ अभिवादन ही हुआ, हायलो हुआ। तो मुझे वो दो बीजेपी के नेताओं के घर पे उपेंद्र तिवारी मिल गए। जब वो मिलकर चले गए तो उनमें से एक नेता ने बताया कि उपेंद्र तिवारी तो भाई बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। मानी भाई किस बात के कॉन्फिडेंट लग रहे हैं? कह रहे हैं कि भाई हमारा मामला ठीक हो रहा है और अब आप सबको हमारे चुनाव में आना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। अब इतना कॉन्फिडेंट है तो अगर उपेंद्र तिवारी की चर्चा और खुद भी कॉन्फिडेंस उनका इतना जोर मार रहा है, क्या पता कुछ ऐसे संकेत उन्हें शायद दिल्ली से मिले हो कि भाई तुम अपना तैयार करो, माहौल बनाओ, तभी तो लोगों को न्योता दे रहे हैं कि चलिए आइए हमारे यहाँ जमिए, कुछ प्रचार करिए और कुछ हमारी मदद भी करिए। तो अगर उपेंद्र तिवारी का हो जाता है तो भूमिहार कोटे का संकट भी खत्म हो जाएगा, ये बगल में एक ठाकुर आ जाते हैं गाजीपुर में सुशील सिंह, तो वो स्थिति भी खत्म हो जाएगी। और उपेंद्र तिवारी उस लिहाज से अगर देखें तो उनका दावा मजबूत दिख रहा है चर्चा में। बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं अखिलेश यादव के, पंकज जी, क्योंकि कई सीटों पर अभी भी उनको तय करना बाकी है, कई घोषित भी करनी है और कई जो घोषित कर चुके हैं जैसे कि मेरठ, उनमर पेज फंसा हुआ है कि आखिर करना क्या चाहता है, क्योंकि मेरठ को लेकर खबरें आ रही है कि लगातार अखिलेश यादव मीटिंगों का दौर जारी है उनका, मेरठ से लोग बुलाए भी जा रहे हैं, लोकल नेता उनसे पूछताछ जारी है कि इसको देना चाहिए क्या करना चाहिए, जबकि वहाँ प्रत्याशी भानु प्रताप सिंह मुझे लगता है शायद वो घोषित हो चुके हैं,
मगर अब भी पेच फंसा हुआ है। बीजेपी की तरफ से पूरी तैयारी है, अरुण गोविल प्रत्याशी घोषित हैं, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली भी कराए, मगर सपा का भी क्लियर नहीं है, कहां फंस कहां रही है बात मेरठ की। ये भाई बड़ी गजब कहानी है, ये मधुमक्खी के खत्ते वाली है। रोज बैठक हो रही है भाई मेरठ की, समझ ही नहीं आ रहा मेरठ में कौन सा कील फंस गया है, ये निकल ही नहीं पा रहा है। मतलब जो कहानी आपने मुरादाबाद वाली रामपुर वाली देखी, वो तो हम लोग सामने में दिखी ना तस्वीरें, यहाँ रोज दो दो घंटे ढाई ढाई घंटे बैठ के होती है। मेरठ से रोज 10 नेता आते हैं, वहां समाजवादी पार्टी के 3 विधायक हैं सौरभ बाबू, पहले हैं रफीक अंसारी, सबसे पुराने अपने शाहिद मंजूर जो मंत्री उन्त्री भी रहे, और अतुल प्रधान। अतुल प्रधान अखिलेश की कोर टीम के सदस्य हैं जी, और संगीत सोम को उन्होंने हरा दिया तो उनकी नाक और ऊंची हो गई, उनकी पत्नी जिला पंचायत की अध्यक्ष चुन ली गई तो उनका और नाक ऊंचा हो गया। तब सुरेंद्र नागर जो बीजेपी के सांसद उनके साथ हुआ करते थे, चुनावी ड्यूटी लगाई गई। अब भानु प्रताप सिंह एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, विचारधारा के स्तर पर लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको दे दिया गया, ये बात 25 दिन पुरानी हो गई। उसके बाद से ना मैं जोड़ के देखा था 11 बैठक हो चुकी है। अच्छा, ये तय करते हैं कि मेरठ से किसको दिया जाए। मतलब भानु प्रताप का तो समझिए काम लग गया है, मतलब उन पर क्या बीत रही होगी मेरठ में वो भानु प्रताप ही जानते होंगे, ठीक है, कि वो मान कर चल रहे हैं कि मेरा काम लग चुका है, और कौन आएगा ये पता नहीं, उनको क्या करना है ये भी नहीं पता है। कभी नाम किसी का आता है, कभी नाम किसी का आता है। ये क्या हुआ, याद करिए कि पिछली बार जो मेयर का चुनाव हुआ था ना जी, जब वहां पे AIMIM ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ लिया, क्या हुआ कि अतुल प्रधान ने विरोध कर दिया, तो मैसेज चला गया मुसलमानों के बीच में कि अतुल प्रधान मुस्लिम बिरादरी के खिलाफ, रफीक अंसारी और शाहिद मंजूर से उनकी नहीं बनती थी। अब क्या हालात है बदलते वक्त में, उसकी भी तमाम तरह की कहानी न चर्चा की जाए तो वही बेहतर है जी। तो उसमें क्या हुआ कि AIMIM के उम्मीदवार ने बहुत अच्छा प्रदर्शन कर दिया और समाजवादी पार्टी की हालत खराब हुई। अब इतनी सारी बैठकें हो चुकी वहां पर, देखिए तो 2-3 बड़े फैक्टर है। जाति के हिसाब से तो दलित अच्छी खासी संख्या में है, तो जब दलित की बात आती है तो समाजवादी पार्टी के बैठक में ना पहले एक योगेश वर्मा होते थे BSP के विधायक हस्तिनापुर से, जो लोकसभा का चुनाव लड़े बुलंदशहर से, 2019 में हार गए थे, BSP से चुनाव लड़े थे। तो योगेश वर्मा को लेकर आए पार्टी में अतुल प्रधान ही, और अतुल प्रधान खुद लड़ने की दावेदारी कर, उन्हें सारी ताकत झोंक दी। अखिलेश यादव के जितने करीबी लोग होते थे, वो कारोबारी हो, वो पत्रकार हो, वो पंडित हो, वो मौलाना हो, सबसे कहलवा लिया उन्होंने, लेकिन साला पेंच जो है पेंच वो निकल ही नहीं रहा कि कहां मामला फंस गया है। तो उसमें क्या है कि जब दलित की बात आती है तो योगेश वर्मा का नाम आगे कर दिया जा रहा है। फिर आता है कि मुस्लिम बड़ी अच्छी संख्या में है, कोई मुर्तजा साहब हैं जिनके बारे में मेरठ के लोग भी बहुत कम जानते हैं, मुर्तजा साहब का नाम आगे कर दिया जाता है, और अतुल प्रधान लगे हुए हैं वो गुजर बिरादरी से हैं कि अगर लड़ सकता है कोई तो हम ही लड़ सकते हैं। इसी बीच में अखिलेश यादव के सामने ये बात भी आ गई कि योगेश वर्मा कैसे लड़ेंगे भाई, उनके खिलाफ तो जिला बदर की फाइल जो है वो मेरठ के DM के पास में है, जैसे ही उनके टिकट का अनाउंसमेंट होगा और जिला बदर की फाइल क्लियर कर देंगे DM साहब, तो फिर कैसे जिले में रहेंगे योगेश वर्मा। तो तमाम तरह की कूट रचना, व्यूह रचना, ये सब चीजें भी हो रही है, पुराने जो क्राइम केसेज है वो सब निकाले जा रहे हैं। कुल मिलाकर ये है कि 11-12 बार बैठकों के बाद भी अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि मेरठ से समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार कौन लड़ेगा 4 तारीख को नामांकन की आखिरी तारीख। बिल्कुल, तो मेरठ में कुल मिलाकर पेंच फंस गया है कि आखिर कौन होगा फाइनल प्रत्याशी। बाकी सबको इंतजार है BJP की अगली लिस्ट का, जिसके बारे में हमने बात की गाजीपुर और बलिया के बारे में। पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप लगातार हमारे तक ऐसी जानकारी लाते रहते हैं, बहुत धन्यवाद आपका। बाकी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, हम लगातार जो भी लोकसभा चुनाव तक अपडेट्स आते रहेंगे आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे, चाहे अफजाल अंसारी घर पहुंचते हैं ओवैसी साहब वो नहीं मिलते उसकी जानकारी, उसके अलावा बलिया गाजीपुर ही सीटों पर क्या हो सकता है, लोकसभा में प्रत्याशी कौन हो सकता है, इसके बारे में आपको बताया ऐसे ही बताते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।